हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सो गाइस, आई होप कि आप लोग सब ठीक ही होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आईसीआईसीआई का डेबिट कार्ड किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो घर बैठे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और अगर आपने आईसीआईसीआई का अकाउंट ओपनिंग का वीडियो नहीं देखा, किस तरह से आपको उसमें अकाउंट को ओपन करना है, सो उस वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। सो गाइस, इस वीडियो में आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो अपने चैनल पर लाता रहता हूं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज यार एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, ताकि ये नॉलेज जो है कि वो लोगों को भी मिल पाए। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बिरजू कुमार, आप देख रहे हैं टेक हिंदी विद बिरजू। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपने मोबाइल में जो है कि प्ले स्टोर को ओपन करके आपको यहाँ से एक एप्लीकेशन है जो कि डाउनलोड कर लेनी है, जिसका नाम है आईसीआईसीआई बैंक का आई मोबाइल पे एप्लीकेशन है, जिसे आप आईसीआईसीआई बैंक का मोबाइल बैंकिंग ऐप भी बोल सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपको किस तरह से रजिस्टर करना है, उस वाले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये वाली एप्लीकेशन है जो कि आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है और इसमें आपको रजिस्टर कर लेना है। दोस्तों, आपको रजिस्टर किस तरह से करना है, उस वाले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां से आप जाके देख सकते हो। बिना एटीएम कार्ड के भी आप इस एप्लीकेशन में रजिस्टर कर सकते हो। सो अभी मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा कि आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप यहां पे डेबिट कार्ड किस तरह से अप्लाई कर सकते हो आईसीआईसीआई बैंक का। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको आई मोबाइल पे एप्लीकेशन में जाना है। सो उसके बाद यहाँ पर ये थोड़ा लोडिंग लगा, चलिए मैं यहाँ पर वेट कर लेता हूँ इसे लोडिंग होने का। सो उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एम पिन जो है कि इंटर करना है, जो कि आप इस ऐप को जब बनाओगे उसी टाइम यहाँ पे आपको एम पिन जो है कि क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाते हैं, तो एम पिन आपको इंटर कर देनी है। सो एम पिन इंटर करने के बाद इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी कि आपका जो आई मोबाइल पे एप्लीकेशन है यहाँ पे ओपन हो चुका है, आपका ऐप यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो। एक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टेटमेंट का, और दूसरा यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड का, और तीसरा आपको सर्विसेज का। तो दोस्तों, मैं आपको सभी पे वीडियो बना के दिखाऊंगा, यानी कि इसका टोटल सर्विस है, मैं आपको इसका सर्विस का वीडियो आपको बना के दूंगा कि इसके अंदर क्या क्या सर्विस जो है कि आपको दिया जा रहा है। तो अभी मैं यहाँ से इसे प्रेस कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको दिख जाएंगे डेबिट कार्ड, सिंपली आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। सो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएंगे। चलिए मैं यहाँ से डेबिट कार्ड का स्विच जो है कि ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा डेबिट कार्ड का नंबर है, और यहाँ पे एक्सपायरी डेट वगैरह, यहाँ पे मेरा नाम है, यहाँ पे डेबिट कार्ड पे शो हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ से डेबिट कार्ड का पिन वगैरह जनरेट कर सकते हो, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सीवीवी, तो यहाँ पे ये मेरा सीवीवी नंबर है। और यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका जो कार्ड का सीवीवी नंबर है, टोटल नंबर जो है कि यहाँ पे आपको दिखा दिया जाएगा। तो मैं अभी यहाँ पे इसे ऑन नहीं करने वाला हूँ। और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं ट्रांजेक्शन सेटिंग। तो दोस्तों, यहां से आप इसे ट्रांजेक्शन को ऑन या ऑफ कर सकते हो, अपने डेबिट कार्ड का ट्रांजेक्शन। तो यहां पे बहुत ही अच्छा फैसिलिटी जो है कि आपको दिया जा रहा है, यहां से आप अपने डेबिट कार्ड को सिक्योर रख सकते हो। सो उसके बाद यहां पे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहां पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला आपको दिख जाएंगे अपग्रेड टू एक्सप्रेशन कार्ड, उसके बाद यहाँ पर आपको सेकेंड में दिख जाएंगे अपग्रेड टू जेंगस्टोन कार्ड, और उसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएंगे री इशू डेबिट कार्ड, और यहाँ पे आपको दिख जाएंगे रिवर्ड पॉइंट वगैरह जो है कि यहाँ पे सेट ट्रांजैक्शन लिमिट, यानी कि आप अपने डेबिट कार्ड का लिमिट वगैरह जो है कि घटा और बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे हम कार्ड को दोबारा से अप्लाई करना चाहते हैं, जो कि अकाउंट ओपन करते ही यहाँ पर आपको एक कार्ड जो है कि फ्री में दिया जाता है। तो दोस्तों, उस वाले कार्ड को आप चाहे तो यहाँ से न्यू कार्ड मंगा सकते हो उस कार्ड को ब्लॉक करके, या फिर आपका कार्ड खो गया या फिर लॉस्ट हो गया या फिर डैमेज हो गया है तो भी आप यहां से रीइशू कार्ड कर सकते हो। तो दोस्तों, यहां पे आपको ऑप्शन दिख रहा है रीइशू डेबिट कार्ड, सिंपली आपको यहां पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पे आप देख सकते हो मेरा मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आ चुका है। सबसे पहले आपको ऊपर में दिखा देते हैं। तो दोस्तों, यहां पे आपको सबसे पहले यहां पे आपको अपना अकाउंट नंबर है जो कि यहां से आपको चूज कर लेना है। चलिए मैं यहां पे चूज कर लेता हूं। सो यहां पे ये थोड़ा लोडिंग ले रहा है, तो मैंने यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर जो है कि चूज़ कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएंगे कस्टमर नेम, तो यहाँ पे आपको अपना या फिर आप किसी का नाम भी यहाँ पे आप अपने कार्ड पे चाहते हैं तो यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। सो चलिए मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ बी आई
आर जे यू, तो ये हो गया मेरा नेम। यहाँ पे मैं अपना टाइटल भी दे देता हूँ, बी एच यू आई वाई ए एन। तो गाइज मैंने यहाँ पे अपना टाइटल भी दे दिया है, यही नाम जो है कि आपके कार्ड पे छप पे आएंगे, छपा के आएंगे प्रिंट होके। तो उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, चलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो गाइज उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो वाज योर प्रोवाइज कार्ड लिंकेड टू एनी अदर अकाउंट, यानी कि आपका जो कार्ड है किसी अदर बैंक अकाउंट के साथ लिंक है, यहाँ पे बताया जा रहा है या अदर अकाउंट के साथ, तो यहाँ पे येस बता रहा है। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएंगे येस या नो का। तो यहाँ पे मेरा कोई भी कार्ड जो है किसी अकाउंट के साथ लिंक नहीं, तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कम्युनिकेशन एड्रेस, इसी एड्रेस पे जो है कि आपका कार्ड जो है कि डिलीवर किया जा रहा है, तो इस एड्रेस को आप यहाँ से चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दिखाया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे इस डेबिट कार्ड का चार्जेस वगैरह का। बात करें तो इसका चार्जेस वगैरह क्या है, तो यहाँ पे आपको चार्जेस का ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप रीड कर सकते हो इसे। तो सबसे पहला नंबर पे यहाँ पे आप देख सकते हो वन प्राइस, यहाँ पे आप देख सकते हो टू हंड्रेड है, यहाँ पे 200 प्लस जीएसटी एस एप्लीकेबल विल बी लिविड एस री इशू चार्ज एंड राइस 150 रुपये जो है कि इसका चार्ज और फीस है। यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आप इसे री इशू करवाते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो 200 रुपये और 150 रुपये चार्ज जो है कि टोटल लग जाएंगे। अगर यहाँ पे आप जो है कि ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हो, नॉन ग्रामीण लोकेशन से बिलोंग करते हो, तो यहाँ पे आपका जो चार्ज है 99 रुपीस है, और ग्रामीण लोकेशन प्लस जीएसटी एस एप्लीकेबल विल भी यहाँ पे लिविड एस एनुअल फीस जो है कि यहाँ पे आपको फ्री में देखने को मिल जाते हैं, यानी कि इसका कोई भी चार्ज नहीं है, सिर्फ आपको जो है कि इसका ग्रामीण क्षेत्र में है इसलिए जो कि आपका यहाँ पे चार्ज सिर्फ 99 रुपीस लिया जा रहा है, एनुअल फी इसका यहाँ पे बताया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप दूसरा नंबर में देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं योर एक्साइडिंग कार्ड विल बी ब्लॉकेड ऑन इश्यू ऑफ योर न्यू डेबिट कार्ड, यानी कि अगर आप इस कार्ड को जो है कि मंगवाते हो तो यहाँ पे आपका जो पुराना वाला कार्ड है ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको उस कार्ड को ब्लॉक करना होगा, उसके बाद ये न्यू डेबिट कार्ड जो है कि आपके घर पर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे चलिए मैं इसे यहाँ से कट कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इसे सबसे पहले फटाफट फिल कर लेना है, तो मैंने इस तरह का फिल किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। सो फिल करने के बाद यहाँ पे आपको एक सबमिट का बटन दिख रहा है, सिंपली आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सो चलिए मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ नीचे पे। तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी डेटा है यहाँ पे आपको एक बार कंफर्मेशन के लिए दिखाया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कंफर्म करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना होगा। सो चलिए मैं यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो सबमिट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके बैंक वाले रजिस्टर मोबाइल के, यानी कि आपके बैंक के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक हो, उस मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी कोड भेजा जाएगा। तो ओटीपी कोड को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। सो मेरे मोबाइल नंबर पे आ चुका है, तो चलिए मैं अपना ओटीपी कोड यहाँ पे फिल कर देता हूँ, 427676। तो गाइज मैंने यहाँ पे ओटीपी कोड जो है कि फिल कर दिया है। अगर आपको ओटीपी कोड नहीं मिलती है तो यहाँ पे आपको रिसेंट ओटीपी का ऑप्शन दिख रहा है, रिसेंट ओटीपी पे क्लिक करके आप अपने ओटीपी कोड को दोबारा से मंगा सकते हो। सो ओटीपी कोड फिल करने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है, लेकिन मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मेरा जो डेबिट कार्ड है ऑलरेडी वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पे न्यू डेबिट कार्ड जो है कि नहीं मंगा रहा हूँ। सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे बताया है किस तरह से आपको मंगवाना है। सो आई होप कि आपको कुछ समझ में आए होंगे। तो यहाँ पे यदि आप डेबिट कार्ड मंगवाना चाहते हैं तो इस प्रोसेस को आप कंप्लीट करके यहाँ पे आप जो है कि अपने डेबिट कार्ड को मंगा सकते हो अपने घर पे। इसके लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बाय पोस्ट के द्वारा आपके घर पे डेबिट कार्ड जो है कि डिलीवर कर देंगे, और इसका चार्ज वगैरह जो है कि आपके बैंक अकाउंट से ही काट लिया जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे डेबिट कार्ड को मंगा सकते हो। सो गाइस जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे जो है कि डेबिट कार्ड किस तरह से आपको अप्लाई करना है आई मोबाइल के थ्रू मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों अगर आप इसका अकाउंट ओपन करना चाहते हो या फिर आई मोबाइल में रजिस्टर करना चाहते हो तो उन सभी पे मैंने वीडियो बनाया, तो उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। सो आई होप कि ये वीडियो से आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिल गए होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।